अमेज़ॉन की एफिलिएट साइट क्रिएट करने के लिए आपको एक वर्डप्रेस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, और वो वर्डप्रेस प्लगइन है वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये एक पेड प्लगइन है, फ्री वर्जन काम नहीं करते हैं। अगर आपको कोई मिल भी जाएगा बट इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। और ये वाला है, ये बहुत ही बढ़िया है, और ये सिर्फ कॉस्ट करता है $25। अगर आप $25 पे करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये आपके $25 वेस्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये काम करता है ये बहुत बहुत ही अमेजिंग है। तो इसके लिए जैसे आपने ये इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको प्लगइन में जाना है, प्लगइन एंड ऐड न्यू प्लगइन, और फिर जैसे ये खुल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से अपलोड प्लगइन और चूज फाइल, और इसके साथ आपको एक प्लगइन की जिप फाइल मिलेगी। उस जिप फाइल को यहाँ अपलोड कर देना है, फिर उसको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पर ये देखिए डैशबोर्ड पर ये WP ऑटोमेटिक का ये पैनल यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल कैंपेन्स में जा सकते हैं या फिर आप न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऑल कैंपेन में चले जाता हूँ। तो ये देखिए ऑल कैंपेन में मेरे दो कैंपेन अभी मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं आपको एक नया कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो पहले प्रेस करेंगे न्यू कैंपेन पे, और न्यू कैंपेन पर यहाँ पर आप इसका नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ अमेज़ॉन यूट्यूब, ताकि मेरे को ध्यान रहे और मैं इसको बाद में डिलीट कर सकूँ। ओके, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कैंपेन टाइप। तो यहाँ पर कैंपेन टाइप में आप चूज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कीवर्ड प्रोवाइड करने हैं। तो कीवर्ड आप जैसे फ्लावर्स मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप कितने सारे कीवर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जस्ट टाइप करना है। ये आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखा देगा, जैसे डेकोरेशन, तो यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम, डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेटिव लाइट और आइडियाज़, डेकोरेटिव मिरर्स, ये आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर यहाँ पर ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, पोस्ट कीवर्ड्स एज टैग, तो जो कीवर्ड्स ये हैं वो एज टैग्स उसमें ऐड हो जाएंगे। रोटेट कीवर्ड्स आप रोटेट कर सकते हैं, एक आए फिर दूसरा आए। फिर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट, इस कैंपेन के लिए आप कितनी चाहते हैं कितनी पोस्ट करें, 2000 आप कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जितनी भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं शॉर्ट रखता हूँ इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर साइट एक्सटेंशन चूज़ कर सकते हैं, amazon.com, amazon.in, मैं .in चूज़ करता हूँ क्योंकि हमारी इंडिया की साइट है। फिर यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट, यहाँ से आप स्पेसिफिक कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं, किस कैटेगरी से आप इस तरह के प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, एड आइटम इमेज एज वूकॉमर्स प्रोडक्ट गैलरी, मेक परचेज लिंक डायरेक्टली टू ऐड टू कार्ट। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली जो पोस्ट हो और उस पर जब कोई क्लिक करेगा बाय फ्रॉम अमेज़ॉन, तो सीधा उनके कार्ट में ऐड हो जाए, वो भी ये ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये पोस्ट टाइटल के ऑप्शन हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर पोस्ट टाइप, तो इसमें आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्ट या फिर इस तरह से YITH पॉपअप और ये तरह के पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसमें पोस्ट चूज़ करता हूँ अभी। अगर आपको वूज़ोन में वूकॉमर्स में प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसीलिए मैं सिर्फ पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर कैटेगरीज हैं, आप कैटेगरीज डाल सकते हैं, कीवर्ड्स टू कैटेगरी, यहाँ पर कीवर्ड आप अपने प्रोवाइड कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पर पब्लिश्ड, इसके बाद आप इसको ड्राफ्ट भी रख सकते हैं, तो मैं इसमें ड्राफ्ट रख देता हूँ ताकि कुछ चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सेट फर्स्ट इमेज, ओके, और एक इसमें ऑप्शन था और डाउनलोड इमेजेस टू माय सर्वर, इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आपके सर्वर पर डाउनलोड हो जाएंगी और उससे ये फास्ट होता है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ट्राई टू जनरेट नेम्स फॉर इमेजेस फॉर द पोस्ट टाइटल। उसके बाद आप यहाँ पर ऑन दिस साइड आ जाइए और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं अपडेट, कितनी देर में अपडेट करें, 60 मिनट्स,
और इसमें आवर्स भी चूज कर सकते हैं और आप डेज भी चूज कर सकते हैं कि कितने दिन में ये या कितनी मिनट में ये इंपोर्ट करें, ठीक है, फिर कर दें पब्लिश। और जैसे ये पब्लिश हो जाएगा, देखिए ये कैंपेन पब्लिश हो गया और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ गया प्ले का। अब हालांकि ये ऑटोमेटिक प्ले होगा 60 मिनट्स में, अगर आप चाहते हैं इसको अभी प्ले करना, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस पे सिंपली प्ले बटन पे प्रेस कर दें आप, फिर ये कैंपेन रन हो जाएगा। और देखिए ये कितना टाइम लेगा, ये देखिए ये, और ये इसने पोस्ट हमारी इंपोर्ट कर दी और क्रिएट कर दी। अब आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं क्या इसने इंपोर्ट किया है और कैसे इंपोर्ट किया है। तो आप ये देखिए इसने इंपोर्ट किया है, ये देखिए टाइटल, ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट इमेज, ये बाकी की प्रोडक्ट इमेज, ये देखिए ये सारी प्रोडक्ट इमेज मिनटों में, 1 मिनट भी नहीं लगी हुई। और बाय फ्रॉम अमेजोन का ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइस इसका प्राइस क्या है करंटली, और यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए अमेजोन की साइट पर ये लेके जाएगा और ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी उसके बाद परचेज कर सकता है, ठीक है। और इसमें हमारा एफिलिएट लिंक है जो मैंने ऐड कर दिया है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, ये देखिए रिव्यूज़ भी उसने इंपोर्ट कर लिए, कितने रिव्यूज़ हैं, कि ताकि आपके जो भी विजिटर्स हैं वो आपकी साइट पर ही उसके रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वो उसको बाय करना चाहते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितने जस्ट कुछ सेकंड में ही हमने एक प्रोडक्ट को अमेज़ॉन से इम्पोर्ट कर लिया। अगर हमें वैसे क्रिएट करना होता तो हम टाइटल कॉपी करते, फिर ये सारी इमेजेस डाउनलोड करते, फिर अपनी साइट पर अपलोड करते, उसके बाद फिर अपने एफिलिएट लिंक डालते, ये बाय बटन क्रिएट करना पड़ता, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। लेकिन इसने हमारा ये काम सुपर फास्ट और सुपर ईजी कर दिया है। तो इसलिए ये WP और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन बहुत बहुत काम का है। $25 बहुत ही कम है जिस तरह का ये काम कर रहा है। इस प्लगइन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर आप इसके थ्रू परचेज करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन उसमें मिल सकता है, जिससे कि आप हेल्प करेंगे इस चैनल को बहुत सारे फ्री कंटेंट क्रिएट करने में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, उससे इस चैनल के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।